दोस्तों अब आपको जो फीडिया कट्टा है वो किस तरीके से खोलना है हम आज वो चीज सिखाते हैं आपको। अक्सर कई भाइयों को जो नए नए भाई हैं उनको आता नहीं है। अच्छा भाई ये बताओ ये डबल सिलाई और सिंगल सिलाई का क्या है? ये तो है ही डबल सिलाई। ये है जी डबल सिलाई है ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा और ये सिंगल और इस तरफ है जी कागज है ये जी सिंगल सिलाई इसके बाएं हाथ से खुलती है ये। ठीक है अब जैसे अब ये हमने एक एक्सपेरिमेंट ये हमने सिर्फ दिखाने के पर्पज से हमने ये सिलाई मार के दिखाई है। ठीक है भाई कहाँ से खुलेगा? ये लेफ्ट हाथ से राइट हाथ से नहीं। ठीक है जी ये आप देख सकते हैं जी ये लेफ्ट हैंड की तरफ से खुलता है कट्टा। अगर आप इधर से खोलोगे तो खुलेगा नहीं ये ध्यान रखना इधर से नहीं खुलता। ठहर जाए मिनट ठहर जाए बस यहाँ से काट के दिखा ये खुलता है नहीं खुलता पहले चेक करना है। हाँ ये डबल साइड की सिलाई कौन सी कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ से खुलेगा? अब ये देखिए ये नहीं ये खुलेगा नहीं यहाँ से यहाँ गांठ बंद है। ये देखिए जी ये नहीं खुलेगा भाई यहाँ से। ठीक है लेकिन 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 यहाँ से खुलेगा ये देखिए ये इस तरीके से बहुत बढ़िया भाई। अक्सर जो है ना कट्टर जो नए भाई हैं जिनको पता नहीं है तो उनको जो मेरे जैसे भाई होते हैं नए नए उनको पता नहीं होता कि किस तरह से कट्टा खोलता है। अब ये आप देख लो कि किस तरीके से कट्टे को खोलना है। ठीक है बहुत बढ़िया इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये दो बच्चे जो है ना इनकी शक्ल नहीं दिख रही थी इधर आओ भाई। हाँ तेरा नाम क्या है भाई? गौरी। ये यहाँ पे फीड का सारा फीड की पिसाई वगैरह का सारा यही काम संभालता है। और तेरा क्या नाम भाई? कन्हैया। ये कन्हैया है और ये गौरी ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे बहुत ही मेहनती लड़के हैं और वाकई में ये पूरा दिन मेहनत करते हैं। तो कितने बजे तक काम करता है? जब भी कोई काम आता है तभी कभी काम मतलब ये रात को भी काम कर सकता है। अगर कोई भाई इनको रात अगर कोई ज्यादा ऑर्डर देंगे तो ये रात को भी ये काम कर सकते हैं। ये इतने मेहनती बच्चे हैं किसी तरीके से कोई भी आलस नहीं है इनमें। और जो भी आप फीड बताएंगे पूरा का पूरा फीड ये अपने ये आपके सामने उसको निकाल लेंगे तोलेंगे आपको पहले क्वालिटी चेक कराएंगे उसके बाद ये यहाँ पे डिजिटल कट्टा रखा हुआ है इन्होंने और एक ये रखा हुआ है जी डिजिटल कट्टा ये आप देख सकते हैं जी डिजिटल पूरा सारा सिस्टम है कोई भी मैनुअल कट्टा नहीं है यहाँ पे। वेट मशीन जो है वो डिजिटल रखी हुई है और ये इन्होंने मशीन रखी है जी सिलाई मशीन जो कि कट्टे जो इनके जो कट्टे आएंगे बोरी सीलने का ये मशीन है आप देख सकते हैं। कोई भी जितने भी इन्होंने ये चीजें ये सारे सारे डिजिटल मशीन यूज कर रहे हैं ये आप देखिए जी बिल्कुल एकदम बहुत परफेक्ट कोई भी इसमें एरर नहीं है। तो भाइयों आप यहाँ से जरूर खरीदें और मैं इनका एड्रेस जरूर मैं आपको दिखा देता हूँ और एड्रेस और फोन नंबर ये अपना फोन नंबर है सर ये भाई अजय सर का फोन नंबर है ये सर का ऑफिस है और ये है जी अजय सर का आप नोटिस कर लीजिए जी चेक करें बहुत ही अच्छे इंसान है अजय सर। और ये देखिए ये जी सचदेवा कैटल फीड आंखों के सामने संतुलित आहार फीड तैयार करवाए इन्होंने स्पेशल अपने जो बैनर बनवाया है स्पेशलिस्ट पे मेंशन करके दिया है और इनका ये मोबाइल नंबर है 9501862279 ये इनका जी मोबाइल नंबर है और इनके बाद बकायदा जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ है। सचदेवा कैटल फीड ये इनका अपना ऑफिस है जी और फीड का पूरा प्लांट है आपके सामने मैं दिखा देता हूं जी। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो भी ब्रांडेड बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं कोई भी कंपनी आपको अंदर घुसने नहीं देती इजाजत नहीं है किसी भी बाहरी व्यक्ति को मिक्सिंग प्लांट में फीड प्लांट में अंदर जाने की। लेकिन ये यहाँ पे इस प्लांट में आप अंदर जाके अपनी मर्जी से अपनी जितना जो आपको फीड में आहार पशु आहार में जो आपको डलवानी है चीजें वो आप सामने यहाँ पे पहले ऑफिस में बैठ के इनका एक फॉर्मूला सेट कर लीजिए कितने केजी में क्या क्या डलेगा एक क्विंटल में आपको क्या क्या चीजें डलवानी है और वो सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे आपके सामने दिखाई जाएंगी और उनको आप डलवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे बिनोला खल है और ये बिनोला खल आप देख सकते हैं जी बिनोला खल
भी आप ये यहाँ पे सब चीजें रखी हुई जी, काफी चीजें हैं यहाँ पे। और ये क्या है जी, ये है जी चना चूरी है, बहुत सारी चीजें जी इनके पास में, अनाज बहुत है, हर तरह के ग्रेन अवेलेबल हैं। आप कुछ मर्जी जो आपका दिल करे वो आप डलवा सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं कि ये किस तरीके से ये अभी हमारा तैयार होने वाला है, फिर हम इसकी पैकिंग करेंगे। दोस्तों अब हमारा ये फीड मिक्स हो चुका है एक मिक्सर प्लांट में, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी घूमने की अब रफ्तार बहुत काफी तेज रहती है। तो बस बस बंद कर भाई, बंद कर। ये करीब 50 केजी का ये बैग हमारा फील होएगा। लेके आ भाई जरा इसको, ज्यादा है इसको लेके आना, ज्यादा है, हैं ज्यादा बहुत है, 60-70 का होगा ये हमारा जी। फीड मिक्स होने के बाद में दिखाई, लाइट छोड़ एक मिनट देखते हैं। ये है जी फीड हमारा, ये इस तरह की क्वालिटी में तैयार हुआ है, और आप देख सकते हैं जी देसी गोमर जब इसको खाएगा तो पूरा आनंदित हो जाएगा, और इसकी खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारा भाई इधर भाई ला भाई मुन्ना, जरा इसको चेक करके बता। ये देखिए जी, ये लड़का अभी ठहरो एक मिनट, पपी डाल में गुमला हो रहे हैं। ये देख सकते हैं जी ये फीड, अभी हम इस भाई को जरा हम चेक कराएंगे, ये हमारा फीड चेक करने वाला बंदा है। और ये ले भाई, चल भाई खा जा इसको। हाँ कैसा है, बढ़िया फीड है। ये मैं भी चेक कर रहा हूँ भाई, बढ़िया फीड है एकदम, बहुत अच्छी क्वालिटी का है भाई। हमने इसमें ऐसी कोई चीज डाली नहीं जो हम ना खा सके, बहुत बढ़िया फीड है ये, सारे मिनरल्स विटामिन सब इसके अंदर मौजूद है। अले खा यार, ये देख, ये देखिए, दूसरा कोई भी फीड आप खा नहीं सकते, अनाज है पूरा एकदम, और बहुत ज्यादा ताकत वाला है, कड़वा नहीं है, अच्छा है, नमक 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 और सही मीठा एकदम, कैसा बना है बता, बहुत बढ़िया सब टेस्टी बन रहा है, टेस्टी बना। हाँ हाँ भाई तू चेक करके बता। ये चेक करने वाला ये बंदा तभी फिट चेक कर लेता है। चल भाई इसको चेक कर यहाँ डाल दे, अभी हम इसका जी वेट चेक करेंगे कि इसमें वजन कितना है। हमें 50 केजी के ये बैग भरने हैं, और इसमें ज्यादा है हो गया अभी 64 है, ये 50 केजी के अभी हम बैग भरेंगे। हाँ अभी इसमें से अभी और भी निकलेगा। चल भाई और डाल दो, फीड वाकई में बहुत बहुत अच्छा बना है फीड, फीड में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये फीड बना है जी हमारा। और आप इसमें देख सकते हैं जी जितने भी फीड की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एकदम देखते ही बनती है जी। इसको दिखाता हूँ जी थोड़ा सा धूप में ले जाके, आप देख सकते हैं मेरे भाइयों कि किस तरह की क्वालिटी का ये फीड है। इसमें जो जो चीजें हमने डाली हैं वो आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई भी हमने कोई केमिकल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हमने कोई खल यूज नहीं की है, टारेट चने का छिलका, गेहूं, मक्का, सरसों, तारामीरा, ये सब चीजें हमने इसमें मिक्स की हैं जी। और जो अब ये देखिए जी हमारे बैग फिल होते जा रहे हैं। आप अब किसी भी फीड मिल में आप अगर जाएंगे तो आपके सामने मिक्सअप नहीं होगा ना, आपके सामने ये बनेगा। डाल दो भाई 50-50 केजी के ये बैग पैक हो रहे हैं जी, और यहाँ पे डिजिटल वेट मशीन लगी हुई है, आपका जो जितना भी फीड आपके सामने बनेगा वो यहाँ पे आप बकायदा वजन करके ले सकते हैं जी। कुछ कंपनियां जी 49-48 केजी के बैग देती है, बट हमारे यहाँ पे पूरा 50 केजी का ये बैग रहेगा, ये 50 किलो 100 ग्राम के वजन करने हैं, ये 100 ग्राम का बैग रहता है, बैग भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। हालांकि हमने ये जो रिफिल बैग हैं, मतलब ये इनको वापस दे दिए जाएंगे जब खाली होते हैं, और 50 केजी के ये पूरा फिलअप हो रहा है जी हमारा, 5.5 क्विंटल का हमने फीड बनवाया है। और आप देख सकते हैं जी क्योंकि इसमें चोकर ज्यादा है जो चने का, जिसको चने का छिलका हमने आज
चोकर यूज किया है। ये देखिए जी पूरे बस ये देख सकते हैं दोस्तों 50 किलो 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम इस खाली बोरे का वजन है। और एक खाली एक बोरा लेके आना ये भी और वेट करना ठीक है भाई। ये बैग पिछली बार से थोड़े से भी चेंज किए हैं इसको ठीक कर ले। ये जी ये 140 ग्राम का बैग है जी अब 140 ग्राम ऊपर पैक करके भेजना है। हाँ पहले खाली बोरों का वजन करा सकते हैं यहाँ पे जितना बोरे का वजन है उसके ऊपर आपको टोटल 50 किलो का भर के देंगे। बस ठीक है ओके ये देख सकते हैं ये 50 किलो 140 ग्राम का ये बैठ गया एक ये बंदा भी आ गया जी ये भी काम करता है पर आज इसने छुट्टी ले रखी है। हाँ डालो यहाँ पे जी बहुत ही अच्छा साफ सफाई से काम होता है। सबसे मेन ये देखने की जी आप कितना हाइजेनिक वे में आप अपने एनिमल्स के लिए फीड तैयार कर पाएंगे। और जो हमारी स्पेशली जो घरों में जो हम बात करते हैं कि हम अपने घरों में देसी गोवंश रख के उनका दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो फीड है फीड की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी रहनी चाहिए जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी हानिकारक तत्व उनके पेट में ना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो जब हम दूध पियेंगे तो हमारे शरीर में भी वो हानिकारक पर्टिकुलर कोई जितने भी हानिकारक तत्व हैं वो हमारे अंदर भी जा सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अच्छी क्वालिटी का फीड तैयार कीजिए और बहुत ही बेहतरीन जो क्वालिटी है फीड की वो यहीं तैयार हो सकती है जी। बाकी अगर आपके एरिया में कहीं तैयार हो जाए तो आप वहां से भी बनवाएं। मैं कहता हूं जी फीड आप कहीं से भी लें लेकिन अपनी आंखों के सामने बनवाएं जी उसकी कोई उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब अपनी आंखों के सामने आप चीज को मेजरमेंट करवाएंगे तो आपको मजा आएगा। और यहाँ पे ये देखिए जी एक और बैग भर दिया गया है 50 किलो 140 ग्राम। चल भाई ठीक है भाई कोई भी फीड का कट्टा आप पैक करते हो ना उसका पहले खाली का वजन कर लो और बाद में उसमें जितना फीड आपने 50 किलो की भर्ती करनी है 40 किलो की भर्ती करनी है उस हिसाब से आप इसमें भर्ती कर सकते हैं। और हमारे जी कई सारे बैग तैयार हो गए हैं। ये सारे हमारे बैगों के ऐसे सिलाई आप देख सकते हैं जी। वीडियो बहुत लंबी बन गई है लेकिन आप जरूर देखें और उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये जी इसकी सिलाई कर दी गई है बहुत ही मजबूत सिलाई है। हमने 50-50 किलो की इसमें बैग की पैकिंग की है। और ये इस तरीके से जी वजन की पैमाइश हो रही है बहुत बढ़िया है। देखो जी 50 किलो 140 ग्राम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट वजन होता है यहाँ पे किसी तरह कोई भी चीटिंग नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है सचदेवा कैटल फीड अपने आप में ईमानदारी साफ सफाई और हाई क्वालिटी के ग्रेन के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पे आइए अपने सामने अपना फीड बनवाइए और अपने सामने लोड करा के लेके जाइए। बनवा के भी जा सकते हैं बनवा के आपको भिजवा भी देंगे यहाँ से आप यहाँ से ऑर्डर भी ले सकते हैं। अक्सर भाइयों के मेरे पास फोन आते हैं कि जी आपको फीड फार्मूला बताएं तो आइए दोस्तों अभी यहाँ पे अजय सर के पास में ये अजय सर बैठे हैं और अजय सर के पास में अभी दो कस्टमर आए हैं अपने अपने पशुओं के लिए फीड लेने के लिए। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी आपका शुभ नाम क्या है? लवप्रीत कुमार जी। और आपका गांव यहां से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर है। मतलब आप 20 किलोमीटर दूर यहां से स्पेशल फीड लेने के लिए आए हैं जी, जी।
तो यहाँ के फीड में ऐसी क्या खासियत है कि भाई आप स्पेशल इतनी दूर से यह फीड लेने के लिए आए? बस हमारे को मेरे मामा जी थे, उसने बताया था कि मेरे घर के पास ही कोई ऐसी दुकान है या इनकी शॉप है जी। उसने बताया था कि वहाँ पे फीड अच्छी मिलती है, दूध बढ़िया मिलता है, पशु देते हैं, ठीक है, ठीक तो वहाँ पे आना, मैं तेरे को दिला दूंगा। इसलिए 20 किलोमीटर तक के ये फीड लेने आया। ठीक है भाई दोस्तों, और ये तो आपके आपके घर पे कौन सी नस्ल की गाय है? मेरी वो अपने बोलते ना देसी है, देसी नस्ल की गाय है। देसी नस्ल की गाय है। अच्छा, कितना दूध देती है? वो 10 किलो देती है। 10 किलो दूध देती है, ठीक है। आप उसको हरा चारा देते हैं पूरा? जी जी जी। और फीड कितना देना चाहिए? बस वो 10 किलो डंग का है तो 1.5 किलो ला लो, 2 किलो ला लो, 2 किलो टाइम का, और बाकी फूल उसको हरा चारा दोगे। भाई दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दो भाई आए हैं। आपका नाम क्या है भाई? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, आप इनके साथ में आए हो? ठीक है, तो आप अभी कितना फीड लेके जाओगे? 1 कट्टा लेके जाएंगे पहले। अभी फिलहाल 1 कट्टा लेके जाएंगे, ये ट्रायल करेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद अगर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ये और भी लोगों को बताएंगे। ठीक है अजय सर, नमस्कार सर। अभी जैसे बहुत सारे भाई आते हैं यहाँ पे, और जैसे ये भाई आए हैं, इन्होंने सबसे पहले आते ही पूछा था जी कि फीड मेरे को लेना और मेरे को दूध बढ़ाने के लिए आपको अच्छा दूध दे, तो आप क्या रिकमेंड करते हो जी? आपके पास भी कुछ रेडीमेड कुछ बना बना फीड है दूध वाले के लिए, तो क्या है थोड़ा बताएंगे? उसकी फॉर्मुलेशन सर? नहीं फॉर्मुलेशन नहीं, कोई फॉर्मुलेशन तो क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। फॉर्मुलेशन मतलब उसका रेट, अक्सर लोग ना प्राइस पूछते हैं कितने रुपए पड़ता है एस्टीमेट सर? अगर मतलब नॉर्मल अपन दूध वाले पशु के लिए मान के चले तो मतलब 2500-2600 तक क्विंटल चलती है सर। भाई 25 से 26 रुपए पर केजी आपको फीड मिलेगा। अच्छा अगर हम जैसे बात करें कि जो बाजार में रेडीमेड फीड जो मिल रहा है, जो पेलेट फॉर्म में मिल रहा है या रेडीमेड मिल रहा है बाजार में अलग अलग कंपनी का, उस फील्ड में और आपके फील्ड में क्या अलग से खासियत है कि आपका ही अब ये भाई 20 किलोमीटर दूर से आया है, तो ये भी कुछ चीज को लेके आया हुआ कि भाई कुछ भाई आप अच्छी क्वालिटी का फीड बना रहे हैं, तो अलग से क्या अलग है सर? हमारे में ऐसे नहीं है सर, कोई बेईमानी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। आप मशीन के पास खड़े होकर अपनी फीड तैयार करवा सकते हो, जो भी फॉर्मुलेशन आपको डलवानी है पास करके डलवा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे अब बात करें कि भाई जो आपके पास में जो जितना भी अनाज है वो मार्केट रेट से कितना सर, क्या रेट है? रेट तो सर मार्केट में चलता है सर, जो मंडी का रेट रहेगा, जो मैंने सुबह रेट निकलता है सर, रेट तो सर वही होता है। ठीक है भाई दोस्तों, ये अजय सर की एक बहुत बढ़िया बात है कि जो भी करंट मंडी का रेट है आप उससे कंपेयर कर लीजिए और क्वालिटी उससे बेस्ट मिलेगी। क्वालिटी में सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सर, क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। भाई क्वालिटी मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, जितना भी मैंने सारा सामान मैंने डलवाया अजय सर से वो सारा बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। और ये भाई अभी जो है ना एक गाय इनके घर पे है और अभी यूज करेंगे तो और अच्छा लगेगा तो दोबारा फिर से आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 20 किलोमीटर दूर ये अभी चल के आए हैं और अपनी गाय को अभी एक बैग एक क्विंटल भी लेके जाएंगे, तो आप और 25-26 रुपए में बहुत रिजनेबल रेट है। भाई यहाँ पे देखो मैंने अपनी गायों के लिए फीड बनवाया है और अपने सामने मैं बनवाता हूँ, जब भी आता हूँ आप अपने सामने भी बनवा सकते हैं, बट समय नहीं है तो इन सर के पास में बना बनाया रेडीमेड फीड है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक दो बार मैंने खुद भी यूज किया है अजय सर का फीड और बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है, बहुत बढ़िया भाई आप लोगों का। ठीक है, आप फीड देख सकते हैं। ठीक है अजय सर, थैंक यू सो मच।